أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. ये सूरह लुक़मान की आयत नंबर 14 और आयत नंबर 15 आप हजरात के सामने तिलावत की गई है। ये बात चल रही थी कि इस सूरह लुक़मान में अल्लाह पाक ने अपने एक मकबूल और अपने बहुत ही ख़ास बंदे हज़रत लुक़मान हकीम के नसाइह को जो उन्होंने अपने बेटे को फरमाए थे वो नसीहतें अल्लाह पाक ने इस सूरत में ज़िक्र फरमाई हैं। चूँकि इनकी ज़बान पर अल्लाह पाक ने हिकमत और दानाई की बातों को जारी फरमाया लिहाजा इनकी बातें बहुत ही ज़्यादा खैर पर और भलाई पर मबनी हैं। ख़ास तौर पर अर्ज़ किया कि चूँकि इन्होंने अपने बेटे को मुखातब करके उनको नसीहतें फरमाई हैं, तरबियत औलाद के एतबार से ये सूरत बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आप हजरात के सामने जो पिछली आयत नंबर 12 गुज़री है, आयत नंबर 13 गुज़री है, उसमें हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को पहली नसीहत फरमाई थी जो हमने पढ़ ली है। और वो पहली नसीहत किससे मुतालिक थी? अकीदे से मुतालिक। या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ये पहली नसीहत है। यानी क़्यामत तक के माँ बाप को, बड़ों को ये बात समझा दी कि तरबियत औलाद में अकीदे को बेअहमियत मत समझना कि ये कोई ऐसी ही बात है, गुजरी हुई बात है। नहीं, चूँकि ईमान तो बुनियाद है, ईमान निजात का असल और बुनियादी ज़रिया है। तो इज्तिनाब अनि शिर्क, के एक मुसलमान शिर्क से बच जाए और अकीदा तौहीद पर मौत तक कारबंद रहे, मजबूत रहे, ये असल है, बल्कि असलुल उसूल है। इसलिए सबसे पहली नसीहत फरमाई कि प्यारे बेटे, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। आगे जो आज की दो आयात हैं इसमें दूसरी नसीहत है, लेकिन अजीब अल्लाह पाक की मेहरबान ज़ात को देखें कि ये नसीहतें अपने बेटे को कौन फरमा रहे थे? हज़रत लुक़मान, है ना? और उन्होंने नसीहत करने में सबसे पहला हक किन का ज़िक्र किया? अल्लाह ताला का। जब बंदा अल्लाह के साथ वफादार हो जाए और बंदा जब मखलूक को, औलाद को, घर वालों को, उम्मत को अल्लाह का हक बताने लग जाए, ये देखो अल्लाह का हक ये है, अल्लाह का हक ये है, तो अल्लाह की मेहरबान ज़ात इस बंदे के हकूक़ दूसरों पे खोल देती। चूँकि ख़ुद वालिद थे ना, बेटे को नसीहत कर रहे हैं। बहुत एक अजीब बात ये मुफस्सरीन ने लिखी है यहाँ पर कि चूँकि वालिद बेटे को नसीहत कर रहे हैं, और आज अगर हम देखें तो आम तौर पे हम जब नसीहत शुरू करते हैं तो औलाद को नसीहत की इब्तिदा में अपने हुकूक़ बताते हैं, और बताने चाहिए कि औलाद अपने माँ बाप के, वालिदैन के हुकूक़ को पहचान लें। इसलिए कि दिल में होता है कि ये बच्चा है, अब मेरी उम्र हो रही है तो ये मेरा ख्याल करने वाला,
और मेरी बात मानने वाला मेरा हमदर्द मेरा खैरख्वाह बन जाए। लेकिन जब बंदा अल्लाह पाक की खैरख्वाही को अपनी ज़ात से मुकद्दम कर लेता है तो अल्लाह पाक अपने इस बंदे को कैसे छोड़ें। तो जब इन्होंने अल्लाह का हक बेटे को बताया तो इस आयत नंबर 13 के बाद जो दो आयतें, आयत नंबर 14 और आयत नंबर 15, इन दो आयतों में अल्लाह पाक ने ख़ुद ख़िताब फरमाया। अभी तक ख़िताब किन का था? हज़रत लुक्मान का। वो मुखातिब थे, बेटा मुखातब था, लेकिन इस पहली नसीहत के बाद अल्लाह पाक अब मुखातिब हो गए। और सिर्फ हज़रत लुक्मान के बेटे को नहीं, क़्यामत तक की तमाम औलाद को अल्लाह पाक ने मुखातब कर दिया और उनको वालिदैन और माँ बाप के हुकूक अल्लाह पाक ने ख़ुद ज़िक्र कर दिए कि अब मुझसे सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जहाँ मेरी ज़ात का हक़ तुम पर लाजिम है कि मेरे साथ शिर्क नहीं करना और मेरी तौहीद पर तुम्हें सारी ज़िंदगी गुजारनी है, इसी तरीके से सुन लो कि जो माँ बाप तुम्हारे दुनिया में आने का ज़रिया बने हैं उनका भी तुम पर बहुत बड़ा हक़ है। तो इन दो आयात में अल्लाह पाक ने औलाद को उनके वालिदैन के हुकूक ख़ुद बयान फरमा दिए। इसको तफसीर की इस्तिलाह में कहते हैं इदखाल इलाही, इदखाल इलाही। इदखाल इलाही मैं आपको आसान एक मिसाल दूं, जैसे कोई वाकया बयान हो रहा है और मैं आप साथियों से अर्ज़ करूं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ ये मामला हुआ, हज़रत उमर की बात चल रही है और उस बीच में मजमे को कोई बात समझाने के लिए अपनी तरफ से मैंने कोई दो चार बातें कर दी, ठीक है। तो ये जो दरमियान में बात कहने वाला डाल देता है इसको इदखाल कहते हैं। और यहाँ हज़रत लुक्मान के नसाइह के बीच में अल्लाह पाक की ज़ात ने ख़ुद एक नसीहत ज़िक्र कर दी तो इसको कहते हैं इदखाल इलाही। क्या कहते हैं? इदखाल इलाही, कि अल्लाह पाक ने नंबर दो नसीहत क़्यामत तक की औलाद को ख़ुद फरमा दी और औलाद को बताया कि माँ बाप का वालिदैन का कितना बड़ा हक़ है। तो ये नसीहत नंबर दो है। इन आयात का तर्जुमा है ववस्सैनल इंसाना, और हमने इस इंसान को ताकीद की, अल्लाह पाक फरमा रहे हमने की, बेवालिदई ही, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करने के। क्यों? सिर्फ समझाने के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया इनका हक़ क्यों है। हमलतु उम्मुहु वहनन अला वहनन, के इस बच्चे को इसकी माँ ने उठाया थक थक कर। वहन कहते हैं किसी काम में थक जाना। तो देखें, एक बच्चा जब अपने माँ के रहम में आता है तो ये कितना अरसा गुजारता है? 9 महीने कम से कम, और ये 2 साल तक जा सकता है। आप जानते हैं कि हमल की कम से कम मुद्दत कितने महीने? 6, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल एक बच्चा माँ के पेट में रह सकता है। तो माँ ने इसको उठाया, इसके बोझ को थक थक कर, इसलिए कि जितना बच्चा पेट में बड़ा होता है वो बोझ किसने उठाना है? तो माँ ने उठाना है। हम तो, मैं अर्ज़ करता हूँ ना, हम बोल सकते हैं लेकिन इस कैफियत का इदराक कोई मर्द कर नहीं सकता कि वो कितनी तकलीफ़ होगी। तो फरमाया इसलिए कि इसकी माँ ने इसका बोझ उठाया थक थक कर। और फिर जब ये आ गया वफिसालुहु फी आमैने, तो इसका दूध छुड़ाया 2 सालों में, फिर वो अलग ज़िम्मेदारी लग गई। जब इसका बोझ उठाया 9 महीने बाद ये पैदा हो गया, अब इस बच्चे की एक और ड्यूटी माँ के ज़िम्मे आ गई कि भाई अब इसको दूध भी पिलाना है। और ये कितना अरसा चलेगा? 2 साल मुद्दत रज़ाअत है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, इसके बाद फिर नहीं कर सकते। तो वो बोझ भी सारा माँ ने उठाया। लिहाजा इन कुर्बानियों को सामने रख लो, अनिश्कुर ली वली वालिदई का, लिहाजा
मेरे भी शुक्रगुजार बन जाओ और अपने वालिदैन के भी शुक्रगुजार बन जाओ। अनिश्कुरली वली वालिदैक, मेरे भी शुक्रगुजार बन जाओ। यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा बिल इबादती, अल्लाह की शुक्रगुजारी किसके ज़रिए से होगी? इबादत के ज़रिए से। वली वालिदैक, और अपने वालिदैन के शुक्रगुजार बन जाओ। बिल खिदमती, किसके ज़रिए से? खिदमत के ज़रिए। इलैयल मसीर, और मेरी ही तरफ सबका लौटना है। व इन जाहदा का, आगे देखें, और अगर ये माँ बाप तुम्हें मजबूर करें, अल्लाह पाक औलाद से फरमा लें, अगर ये माँ बाप तुम्हें मजबूर करें अला इस बात पर, अंतुश्री कभी मा लैसा लक बिही इल्मुन, कि तुम मेरे साथ ऐसी चीज़ को शरीक ठहरा लो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं। यानी अगर माँ बाप काफिर हैं, खुदा न खास्ता मुशरिक है, और वो अपनी औलाद से कहें कि भाई अगर तुम हमारी औलाद हो और हमें माँ बाप कहते हो तो तुम्हें भी ये शिर्क करना पड़ेगा। तो अब देखें माँ बाप के हुकूक़, लेकिन एतदाल, अल्लाह पाक ने उसमें अदल बयान किया। इसमें तजावुज़ नहीं होगा कि माँ बाप के हुकूक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अल्लाह पाक के हक़ को पामाल कर दिया जाए। तौहीद अल्लाह का हक़ है, सारी चीज़ें उसके बाद होगी। लिहाजा नऊज़ु बिल्लाह अगर माँ बाप कहे कि नहीं भाई तुम्हें शिर्क करना पड़ेगा, तो क्या औलाद उनकी बात मानेगी? कभी भी नहीं मानेगी, वो नहीं मानेगी। लिहाजा फरमाया फ़ला तुतिअहुमा, इस मामले में माँ बाप की इत्तेबा मत करना, शिर्क का इर्तिकाब मत करना। लेकिन वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, अल्लाह की ज़ात देख। यहाँ से ये अंदेशा था कि भाई अगर माँ बाप काफिर मुशरिक हो तो औलाद ये ना समझे कि चले भाई ये तो वैसे ही मुशरिक है, इनका हक़ चला गया। और मैं नहीं, दुनिया का हक तो है। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, तुम इन दोनों के साथ बावजूद इनके कुफर में दुनिया के मामलात में अच्छे अंदाज से पेश आओ, वो हुस्न सलूक ख़त्म नहीं होगा। वत्तबे सबीला मन अनाब इलैया, और तुम इत्तेबा करो उन लोगों के रास्ते की जो मेरी तरफ लौट कर आते हैं। देखें, तुम इत्तेबा करो उन लोगों के रास्ते की जो मेरी तरफ लौट कर आते हैं। सुम्म इलैया मरजिउकुम, फिर मेरी तरफ तुम सबका ही लौटना होगा। फ़ौनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो मैं तुम्हें बताऊंगा जो कुछ तुम दुनिया में किया करते थे। तो ये मेरे अजीज़ों दोस्तों बुज़ुर्गों, ये दूसरी नसीहत है। और चूँकि औलाद के लिए उनके माँ बाप बहुत बड़ी अहमियत और हैसियत रखते हैं, उसकी वजह ये है कि इस दुनिया में अगर हम आज हैं और ज़िंदा हैं, हमारा जिस्म है, वजूद है, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये उसी वक्त मुमकिन हुआ जबकि अल्लाह पाक ने हमारे वालिदैन को इसका ज़रिया बना थी। तो कोई भी बच्चा दुनिया में आता है वो दो चीज़ों का मोहताज है दोस्तों, दो चीज़ों का। एक अल्लाह पाक के कलमे कुन का, कोई भी बच्चा याद रखें कलमे कुन के बग़ैर पैदा नहीं हो सकता। जब तक अल्लाह पाक हुक्म न दे दे उस पानी के क़तरे को कि कुन तुम बन जाओ हमल, तो उस वक्त तक नहीं हो सकता, वरना इंसान के बस की बात नहीं। तो कलमे कुन का मोहताज है। इसके बाद दूसरे दर्जे में इंसान मोहताज है अपने माँ बाप का, वालिदैन के निकाह का मोहताज है। लेकिन इससे सिर्फ मुस्तस्ना कौन है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इससे मुस्तस्ना हुए, ये उनकी एक खसूसियत है। इसीलिए क़ुरान करीम में उनके लिए ख़ास तौर पे क्या फरमाया, वकलिमतुहु अल्काहा इला मरियमा, कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के कलमे से पैदा हुए जो अल्लाह पाक ने हज़रत मरियम की तरफ भेज दिया था। तो वो सिर्फ़ कलमे कुन से पैदा हुए, इसलिए कि हज़रत मरियम का निकाह नहीं हुआ।
लेकिन अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत का इजहार फरमाया कि अगर मैं चाहूँ तो बग़ैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम वजूद में आ जाए, और मैं चाहूँ तो बग़ैर वालिद के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वजूद में आ जाए। तो वो सिर्फ़ कलमा कुन से पैदा हुए, वहाँ वालिदैन नहीं हैं। यहाँ पर इंसान दो चीज़ों का मोहताज है, एक कलमा कुन का भी और एक अपने वालिदैन के निकाह का भी। तो वालिदैन का वजूद हमारे वजूद का सबब है दोस्तों, अगर वो ना होते, उनका निकाह ना होता, हम भी नहीं होते। तो इतना बड़ा हक है वालिदैन का, इसीलिए क़ुरान करीम में इसके अलावा भी सूरह बनी इसराइल में अल्लाह पाक ने अपने हक़ के साथ फ़ौरन वालिदैन का हक़ ज़िक्र किया। وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ताकि ये इंसान समझ जाए कि जहाँ इसके दुनिया में आने में कलमा कुन चला है, वहीं इसके वालिदैन का भी हिस्सा है। तो बहुत बड़ा हक़ है औलाद के ज़िम्मे कि वो अपने माँ बाप के इस मकाम को, इस मर्तबे को पहचान लें। और जितनी क़ुरबानी वो दे चुके हैं औलाद के लिए, जाहिर सी बात है कि औलाद कुछ भी कर ले, वो उस क़ुरबानी का अशर अशीर भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता उनका। लेकिन इंसान के बस में जितना है ये कोशिश करेगा और ये खिदमत करेगा। उलमा ने लिखा है कि वालिदैन की जिस्मानी और उनकी माली और उनकी कल्बी खिदमत, जिस्मानी खिदमत तो ये है कि भाई ज़रा ज़ईफ़ हो गए, बीमार हो गए, तो हम उनका सहारा बनेंगे, उनको चलने में, फिरने में, बिठाने में, उठाने में। खुशनसीब औलाद होती है दोस्तों कि जो बड़ी तवील खिदमत कर जाती है अपने वालिदैन की, ऐसे भी खुशनसीब होते हैं कि जो कई कई साल अपने वालिदैन के लिए वक्फ हो जाते हैं दोस्तों, जिस्मानी है। माली खिदमत तो ये है कि एक वक्त आएगा, सारी ज़िंदगी उन्होंने मेहनत की, कमाया, किसी चीज़ को नहीं देखा, लेकिन हमें पढ़ाया, हमें लिखाया, हमें तरबियत दी, हमें खाने पीने की फ़िक्र से आज़ाद किया, सब कुछ कर दिया। अब एक वक्त आता है कि वो कमज़ोर ज़ईफ़ हो जाते हैं, उनकी माली खिदमत करना ये भी औलाद के ज़िम्मे लाजिम है। और इसमें भी हम कितने कमज़ोर होते हैं, जब तनख्वाह थोड़ी सी हमें मिलने लगती है तो वो सारी लपेट कर अपनी जेब में रख दी, उसमें फिर वालिदैन का हिस्सा नहीं होता। और इससे ज़्यादा दुख की बात उलमा ने लिखा है कि कभी ये मौका ना आए कि वालिदैन को औलाद से कहना पड़ जाए। एक तो ये कि ठीक है, इंसान है, उज़र है, भूल जाता है, देर सवेर है या कोई नया काम आ जाए, लेकिन अगर ये हम मिजाज और आदत बना लेना कि भाई वालिद कहेंगे या वालिदा कहेंगी तो दे देंगे, उन्होंने नहीं कहा तो होंगे उनके पास, ये खानी और नवाबी फिर औलाद सीख लेती, फिर वालिदैन भूल गए। तो खुशनसीब औलाद वो है कि जो अपनी मेहनत की कमाई में वालिदैन का हिस्सा अलग से रखे, ये भी बड़ी सआदत है। और ऐसा करने वाले के रिज़्क में और माल में जो बरकतें आती हैं दोस्तों, वो हमने अपनी आंखों से देखी। इतना अल्लाह पाक नवाजते हैं कि दुनिया हैरान होती है कि भाई बाकी भी इसके भाई हैं, वो क्यों इस मकाम तक नहीं आए, इसने वालिदैन की दिलो जान से माली खिदमत भी की होती। और तीसरी चीज़ होती है कल्बी खिदमत। कल्बी खिदमत का मतलब ये है कि अपने किसी अमल से उनको हम दुख न पहुँचाएँ। बाज़ दफ़ा ये होता है कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये कि ऐसा रवैया है, ऐसा कोई इशारा कर दिया, कोई बात सुना दी, कुछ न कुछ ऐसा कर दिया कि उनके दिल पर एक बोझ आ गया, ये सारी चीज़ें ममनू है दोस्तों। तो बहरहाल ये सारी खिदमत औलाद पर लाजिम है अपने वालिदैन के हक़ में, और ये एक फ़र्ज़ है। ये मसला पूछना कि जी क्या क्या है, ये बहुत ही उल्टा किस्म का सवाल है। अगर माँ बाप आके पूछे कि जी हमारे ज़िम्मे इस बच्चे का क्या क्या हक़ है, तो आज तो हम बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल होते। उनके दिल में किसने डाला है कि वो बेचारे सुबह उठकर, हम सो रहे
और वालिदा जो है वो नाश्ता तैयार कर रही, हम सो रहे हैं और वालिद जो है वो जाके बाज़ार से चीज़ें ला रहे हैं इसके लिए। बाहर इसको गाड़ी में बिठाया, रुख्सत किया, जब तक इसकी गाड़ी आंखों से ओझल नहीं होती वो खड़े होते हैं यहाँ पर, ये सब कुछ है। खुद बाद में खाया फिर इसको खिलाया, तो उनके दिल में किसने डाला कि भाई मुझे अच्छा स्कूल, अच्छा मदरसा, अच्छी तरबियत, अच्छा ट्यूशन, ये सब चीज़ें अच्छी देनी चाहिए? उन्होंने तो नहीं पूछा कि भाई क्या क्या हक है। लेकिन औलाद क्यों गलत सवाल कर रही है आज कि भाई मेरे ज़िम्मे जो है वो वालिदैन के क्या क्या हुकूक है? सारे हक है। इसीलिए हदीस पाक में क्या फरमाया, एक सहाबी आए आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में और उनसे अर्ज़ की कि मैं जो कमा के लाता हूँ घर में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जब जाके देखता हूँ तो उसमें से कुछ कम होता है, उसमें से कुछ कम होता है। तो मैंने जब देखा तो देखा मेरे वालिद जो है उसमें से ले रहे थे, तो इनको लगा कि अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो है वो वालिद को बुलाएंगे और इनसे कहेंगे कि जी आपने क्यों लिया इसमें से। तो जब इन्होंने आके शिकायत की, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंता व मालुका लि अबीका, ये क़्यामत तक ज़ाब्ता बन गया, अंता व मालुका लि अबीका। आपने फरमाया सुनो तुम भी और तुम्हारा जितना माल है वो सब तुम्हारे वालिद का है, तुम भी अपने वालिद के हो, वो जो चाहे तुम्हारे साथ करें। एक तंबीह थी, तंबीह, और तुम्हारा माल भी तुम्हारे वालिद का है। फिर वो सहाबी चले गए, फिर आप अलैहिस्सलाम ने उनके वालिद को बुलाया और उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये अब बुढ़ापे में ये बेटा मेरी ज़रूरत का ख्याल नहीं करता पूरा। तो आपने फरमाया कि जितनी तुम्हारी ज़रूरत है उससे तजावुज़ मत करो, बाकी जो ज़रूरत के लिए जितना मतलूब हो वो तुम उसमें से ले सकते हो, उसमें तुम इजाज़त के भी मोहताज नहीं। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ो दोस्तों, बुज़ुर्गों, वालिदैन का तो बहुत बड़ा हक़ होता है, और ये इंसान जितना बनता है, कमाता है, नाम कमाता है, ये सब तो उनकी मेहनतों, क़ुरबानियों, दुआओं और रातों और दिनों की मेहनतों का एक समरा होता है। इंसान को खुश होना चाहिए कि भाई उसके हिस्से में अल्लाह पाक ने वालिदैन की खिदमत रख दी है और वो किसी ना किसी दर्जे में कर रहा है, तो ये ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह पाक ने एक बात की वजाहत फरमाई कि अगर ये हुकूक़ तजावुज़ होकर अल्लाह के हक तक आए और वालिदैन ये कहे कि जी भाई शिर्क कर लो, यहाँ तो शिर्क फरमाया, लेकिन मुफस्सिरीन ने इससे ये नुक्ता निकाला है कि इससे मुराद हर वो नाफरमानी जो अल्लाह को नाराज़ कर दें, वो सब। तो अगर वालिदैन कोई ऐसा तकाजा करे जो वाज़हतन गुना है, उसके गुना होने में कोई कलाम नहीं है, उसमें वालिदैन की इताअत जायज़ नहीं है दोस्तों, उसमें वालिदैन की इताअत जायज़ नहीं है। से मिसाल के तौर पे अगर वालिदैन कहे कि जी भाई फलां जगह पे जाके नौकरी कर लो, मैं हुक्म दे रहा हूँ कर लो, और आपको पता है वो 100% सूदी काम है, तो जायज़ नहीं। या अगर किसी ने सुन्नत के मुताबिक जो है वो हुलिया रखा है, दाढ़ी रखी है बेटे ने, और वालिदैन में से कोई कहे कि जी हम तो नाराज़ हो जाएंगे अगर आपने छोटी नहीं की, तो इताअत जायज़ नहीं। बात समझ गए? तो इसी तरह वो सारे मामलात जो कि अल्लाह की नाफरमानी पर मबनी होंगे, उसमें वालिदैन को हिकमत के साथ चलाया जाएगा, ये नहीं कि उसमें बदतमीज़ी हो जाएगी और हम इहकाक हक़ कर लेंगे, नहीं, अपने ईमान आमाल की हिफाजत करेंगे और बाकी उनके साथ हुस्न सलूक वाला मामला सारी ज़िंदगी जारी रखेंगे। तो बहरहाल ये हज़रत लुक़मान के नसाइह में दूसरी और बड़ी अहम नसीहत थी जो अल्लाह पाक ने ख़ुद इस उम्मत की क़्यामत तक आने वाली औलाद को फरमा दी है। अल्लाह करीम हम सब को अपने वालिदैन की सही और इखलास वाली इताअत और ख़िदमत की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिस तरह हर हफ्ते के दिन सुबह मस्तूरात की इस्लाही मजलिस होती है, कल भी इंशाअल्लाह 11 बजे से 11:30 बजे तक बनात के मदरसे में होगी, और असर की नमाज़ के बाद इंशाअल्लाह मस्जिद में मुख्तसर बयान और ज़िक्र की मजलिस होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
हमारे साथी जैन की वालिदा के मामू का इंतकाल हुआ है, दुआ फरमाए अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमाए। जितने मरहूमीन मरहूमात दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक सब की मग़फ़िरत फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व आलिही व असहाबी अजमाइन। रहमत।